स्वदेश यानी अपना देश हमारा हिंदुस्तान, जहां कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी, जन्मे कितने धर्म यहां पनपी कितनी संस्कृतियां, बरसों की गुलामी ने सोने की चिड़िया के पर कतर दिए, नतीजा आजादी के बाद अपॉर्चुनिटीज की तलाश में कितने ही इंडियंस विदेशों में जा बसे। जब कामयाबी मिली कुछ वहीं के होकर रह गए, पर कुछ वापस लौटे अपने वतन, अपने हम वतनों के बीच। स्वदेश एक सफर है जिसमें हम मिलेंगे उन लोगों से जो पेरिस की रंगीली शाम और न्यूयॉर्क की कामयाबी छोड़ लौट आए ताकि खुशहाल बन सके अपना देश। हमारा क्या है कि मैं जो बहुत रनिंग किया उसके हिसाब से मेरा पांव खराब हो गया, तो बिफोर 10 ईयर्स आई केम टू डॉक्टर विक्रम शाह और मैंने बताया उनको कि मेरा ये तकलीफ है तो क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि यू जस्ट गेट दिस ऑपरेटेड, 2 डेज डिफरेंस, बोथ नीज वेर ऑपरेटेड एंड आई एम हैप्पी दैट आई कुड डू ऑल दिस थिंग्स, वर्क में कर सकता हूँ, सब जगह जा सकता हूँ और मेरे फिजिकल एक्टिविटी, मेरा जो शौक है वो मैं आराम से कर सकता हूँ, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग वगैरह सब। अमेरिका से आया हूँ, न्यू जर्सी में रहते हैं, वहाँ एक लड़की रहती है, हमारी लड़की दामाद दोनों रहते हैं। दाया पाँव में हमारे घुटने के पास तकलीफ रहती थी चलने में और बाया पाँव में पीछे से नसें खिंचाती थी, दोनों ऑपरेशन में कुछ भी मालूम नहीं चला। दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड आई हैड कम फॉर माई हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। भारत वो देश है जहाँ डॉक्टरों को भगवान के समान माना जाता है, और हो भी क्यों ना, आखिर भगवान के बाद डॉक्टर्स का ही तो नाम लिया जाता है। डॉक्टर विक्रम शाह उन जाने माने डॉक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 1994 में शेल्बी हॉस्पिटल्स की बुनियाद डाली। ये अहमदाबाद का ऐसा हॉस्पिटल है जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है। डॉक्टर विक्रम शाह की अनथक कोशिश और जज्बे ने उन्हें अपने तमाम साथियों में सबसे अव्वल और ऊंचे मुकाम तक पहुँचा दिया। डॉक्टर विक्रम शाह जिनका जन्म भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें हर वो खुशियाँ दी जिसके वो हकदार थे। अपनी फैमिली के प्यार और दुलार ने उन्हें खुशहाल बचपन दिया। I was born in Ahmedabad and also brought up in Ahmedabad. My father was a civil engineer and mother was a housewife. I mean, two sisters. Elder one is a doctor settled in America. Younger one is also a doctor settled in one town near Ahmedabad. And we were middle class, so we had all the amenities at home, but we did not have car, we did not have air conditioning, but we were happy. स्कूल में ज्यादा समय बिताने वाले डॉक्टर विक्रम शाह अपने दोस्तों के साथ हर सब्जेक्ट पर खुलकर डिस्कस किया करते थे। वो स्कूल में काफी शैतानी करते थे, लेकिन इन शरारतों के बावजूद भी उन्होंने अपनी टीचर से वैल्यूज को न सिर्फ सीखा बल्कि उसे अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा भी बनाया। I was quite a naughty student and I still remember any time anything goes wrong, our headmaster used to search for me. And at one point of time, I conducted a strike in the school because of the reason where they were not giving leave on Ganesh Chaturthi. My favorite teacher all along
was my middle school teacher of social studies. His name was Bapu Bhai. And it was because of him I got a lot of interest in history and geography. And in my opinion, these two are very important subjects for general knowledge and to relate things in a coming time. बचपन से ही डॉक्टर विक्रम शाह को ड्राइंग जैसे कला से खासी दिलचस्पी थी और उनके इस शौक ने उन्हें डॉक्टरी के फील्ड में बतौर डायग्राम काफी मदद दी। उनकी कुछ रुचि ऐसी भी थी जिन्हें वो बड़े चाव से करते थे। I was part of NCC for 2 years and I was group leader in our group and I completed 2 years training with the training for gun shooting also, and I always loved arranging and managing things all along till today. The first trip I organized was a small trip, a day trip. I was in a fifth standard and a very nearby place called Galteshwar, and at that time we had to go to street transport to book the bus, do the paperwork, arrange for all the food because you do not get any ready food at that time. I used to play cricket in the school and I used to play in college also. I was not a great player but I enjoyed it. Dr. Vikram Shah ek well educated family se jude hue hain. Un par zahir hai ki padhai ke pressure ke sath zyada se zyada degree lene ka bhi dabav rehta tha. Inki family ke kai log videsh mein well settled bhi hain. After schooling I went to Bija Medical College, Ahmedabad, which is one of the very premium medical colleges of India, and I got a gold medal in surgery, got enough mark to go in orthopedic surgery. Master's degree was always required in our family, and orthopedics I always looked at very premium branch because orthopedics was the branch at that time would get admission first, and first 5 to 7 numbers only would get there. So every passing out student is looking for orthopedics. My own maternal uncle, who was an orthopedic surgeon, and I had been visiting him while he was studying when I was in school. So I always admired him.